तो गाइस सब कुछ तो अच्छा चल रहा था और शादी कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद में जो है बहु भोज बोला जाता है इनके यहाँ, तो वो हो रहा था। पर जो हुआ ना कभी सोच भी नहीं सकते थे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मतलब इतना बुरा कैसे हो सकता है, मैं तो उम्मीद नहीं की थी। पर खैर कोई बात नहीं, कहते हैं कर भला तो हो भला, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम चल रहे थे और ये तो मुझे ऐसे पकड़ के लेके जा रहे, जैसे लग रहा है मैं गिर जाऊंगी। मतलब क्या बताऊँ मैं, एक तो इतनी जल्दी जल्दी चलते हैं, मैं खैर कोई नहीं। तो गाइस आप देख ही रहेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। गाइस मेरा कहने मतलब ये था कि हम लोग इतने लेट पहुंचे थे ना यहाँ पे कि आधे से ज़्यादा रिश्तेदार चले गए थे। हमारी गलती नहीं थी पर क्या करें, लेट तो हो ही जाता है। तो गाइस यहाँ पे साली और बहन दोनों, जी हाँ, अपने भैया और अपने जीजा जी को लूटने में लगी हुई है। अरे बस करो, इन लोगों का इतना फ़ायदा हुआ है ना मैं क्या बताऊँ, बहुत लूटे हैं। खैर अकेला भाई है और पहली बार जो है शादी हुई है, तो लूटेंगे ही, जाहिर सी बात है लूटेंगे, क्योंकि घर में ये बड़े हैं और घर में पहली शादी थी, तो जाहिर सी बात है लूटेंगे। और यहाँ पे मेरे ऊपर जो भी है अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैं सोच रही थी वाह, उस दिन मैं फील कर रही थी कि शायद मैं एकदम रानी हूँ। रानी तो मैं हूँ ही वैसे, अपने पति जी का रानी हूँ मैं। और काफी अच्छा लग रहा था। और अरे भाई पूरा भारत माता की जय। तो गाइस यहाँ पे डांस चल रहा है और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कमेंट में हमेशा आता है कि आपको बुरा नहीं लगता क्या ये लड़कियों के साथ में ऐसे डांस करते या फिर ऐसा करते। मैं आपको बता दूँ, देखो इनका काम ही वही है और मैं ये सब कुछ जान करके मैंने इनको पसंद किया। सॉरी गाइस, बगल में जो है मुर्गा बोल रहे हैं, इग्नोर करना और आप इंजॉय करो। हालांकि बहुत लंबी वीडियो नहीं है थी, पर मैंने कहा क्या फालतू तो बोरिंग करना, क्योंकि मैं तो बिजी थी और जिसने शूट किया मेरे खिलाफ थोड़ी बहुत डाल देती हूँ। ये कौन थे मुझे तो नहीं पता, पर इनको देख के बहुत खुशी हो रही थी, मतलब एक अलग ही दुनिया में है। तो गाइस इनमें से सबको तो नहीं जानती मैं, पर हाँ ये जो पीछे है लहंगा पहने हुए वो चाची जी हैं, उनको मैं जानती हूँ। और बाकी मैं सबको नहीं जानती, कुछ लोगों को जानती हूँ कुछ लोगों को नहीं जानती हूँ। और यहाँ पे मैं करती हूँ ब्लॉग को समाप्त, मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये जो मेरा मेकअप हुआ है ना ये इन्होंने ही किया है। और मैं सच बताऊँ घर में ही मेकअप हुआ था पर बहुत अच्छा हुआ था। जो मैं बता रही थी प्रॉब्लम हो गई थी, प्रॉब्लम ये हो गई थी कि काफ़ी लेट हो गया था वहाँ पे जाना।